उत्तर प्रदेश के कासगंज में अक्सर गर्मी के मौसम में आगजनी की घटनाएं बढ़ जाती हैं। ऐसे में जरूरी है कि इसको रोकने के लिए सावधानी बरती जाए। यही वजह है कि आगजनी की घटना को लेकर फायर ब्रिगेड अलर्ट हो गया है। फायर ब्रिगेड कर्मियों ने कासगंज जिले भर के हॉस्पिटल और बिल्डिंगों में फायर के संसाधनों की जाँच पड़ताल शुरू कर दी है, ताकि समय रहते आगजनी की कोई बड़ी घटना घटित न हो सके। आपको बता दें कि गर्मी का मौसम शुरू होते ही अग्निशमन विभाग अलर्ट हो गया है। सोमवार को अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने कासगंज के निजी अस्पताल एवं बड़े बड़े प्रतिष्ठान और बड़ी बिल्डिंग्स में पहुंचकर अग्निशमन यंत्रों की जांच की और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इसी दौरान विभाग के अधिकारियों ने कहा कि अस्पताल एवं बड़े प्रतिष्ठानों में अग्निशामक यंत्र होना अति आवश्यक है और इस यंत्र की समय समय पर जाँच होना भी जरूरी है। इसी दौरान अग्निशामक सिलेंडर में CO2 की जाँच की गई। बताया कि इसमें तीन प्रकार की आग बुझाने वाला रसायन होता है। आग लगने पर इलेक्ट्रिक एवं गैस पर जल्दी काबू पाया जाता है। हम सुबह से लगभग हमारा चेकिंग अभियान चल रहा है 9 बजे से और शाम के 5 बजे तक। और इस चेकिंग अभियान में जो हेडक्वार्टर की तरफ से अभी रिसेंटली जारी हुआ है, इसमें क्या है कि हम हॉस्पिटल की मॉक ड्रिल्स, इवैक्यूएशन ड्रिल और उनके फायर फाइटिंग अरेंजमेंट चेक कर रहे हैं, ताकि कोई अनहोनी फायर से रिलेटेड ना हो पाए, जिसे हम कम से कम टाइम में और स्टाफ को थोड़ा सा ट्रेन करते हैं, जिससे कि थोड़ा सा जब तक हमारी गाड़ी टर्न आउट पाए थोड़ा सा उसे फर्स्ट एड के तौर पे उसे आपको कंट्रोल कर सकें। बाकी ये 3 दिन की हमारी स्कीम नंबर 3 चल रही है, जिसमें हॉस्पिटल्स का निरीक्षण रहेगा। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।